धम्मपद गाथा नंबर 29 या 2.9 अपमाद वग्गो। ये कथा है जैतवन बुद्ध बिहार की या जैतवनाराम की सावित्री की। एक बार दो नए भिक्खु बने, जो दो साधक आए थे, उन्होंने पवज्जा ली। पवज्जा का मतलब है कि उन्होंने भिक्खुओं के साथ रहने का, घर छोड़ने का निश्चय किया और शिक्षा ली भगवान बुद्ध से। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, विपस्सना सीखने के बाद, ध्यान की सारी विधि सीखने के बाद, साधना के सारे नियम सीखने के बाद, वे दोनों जंगल में चले गए। जंगल में जाके वो साथ रहे। उनमें से जो एक भिक्खु थे, उन्होंने बिल्कुल नियम के अनुसार पालन किया, जैसा बताया वैसा वो करते रहे। जब ध्यान का समय होता था ध्यान करते थे, जब खाना इकट्ठा करने का समय होता तो खाना इकट्ठा करते थे, जब सोने का समय होता था तो सोते थे। जो दूसरे भिक्खु थे, वो वहाँ कभी आग जलाते, कभी जंगल साफ करते, कभी पेड़ काटते, कभी ध्यान करते, कभी सोते, कभी उठते, कभी बैठते, इस क्रिया में वो लगे रहे। दोनों विपस्सना के बाद, वत्सावास खत्म होने के बाद, क्योंकि वत्सावास 3 महीने का होता है और 4th महीने में किसी भी समय जा सकते हैं, तो दोनों वत्सावास खत्म होने के बाद भगवान बुद्ध के, सुगत बुद्ध के, तथागत बुद्ध के पास वो गए। वहाँ जाके उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद वो बैठे, तो उनमें से जो भिक्खु पूरे दिन अपना समय कभी आग जलाने में, कभी पानी लाने में, कभी फल लाने में, कभी साफ सफाई करने में, कभी नहाने में, कभी धोने में और ध्यान में कम लगाते थे, उन्होंने कहा कि ये जो दूसरे भिक्खु हैं, ये तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये तो अपना अंदर झोंपड़ी में चले जाते थे, कुटिया में चले जाते थे और वहाँ शांत पड़े रहते थे, कुछ नहीं करते थे, जबकि मैंने यहाँ ये काम किया। जो भगवान बुद्ध हैं, सुक्तो हैं, उनको तो बॉडी लैंग्वेज से और आवाज़ की वाइब्रेशन से और शरीर से ये पता चल जाता है कि कौन किस अवस्था में पहुंचा। उन्होंने कहा कि अरे भिक्खु, आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो अर्हत हो गए, जो भिक्खु हैं ये तो अर्हत हो गए और ये तो अब आपसे बहुत मीलों आगे चले गए। तब उन्होंने ये गाथा जैतवनाराम बुद्ध विहार में, जैतवन में, सावित्री में कही। ए पमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहु जागरो, ए बलसं वे सिग अस्सो हितवा याति सुमेदस्सो। अपमत्तो पमत्तेसु का मतलब है ए प्रमाद वाला प्रमादी लोगों में, अपमत्तो का मतलब है अप्रमाद वाला और पमत्तेसु का मतलब है प्रमादी लोगों में। सुत्तेसु बहु जागरो, सुत्तेसु का मतलब है जो सोने वालों में, जो बहुत सारे लोग हैं सोने वाले में, और बहु जागरो का मतलब है जो ज़्यादा जागने वाला है। ए बलसंग का मतलब है ए बल असंग का मतलब है जिसके, ए बल का मतलब है जिसके अंदर बल ना हो और अस का मतलब है घोड़ा, यानी दुर्बल घोड़ा जिसके अंदर बल नहीं है, दुर्बल घोड़े को। वह माने जैसा, सिग्घसो का मतलब है सिग्घ और असो, यानी कि जो शीघ्र दौड़ने वाला घोड़ा है, दुर्बल घोड़ों के बीच में जो शीघ्र दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। हितवा याति सुमेध सो, हितवा माने होता है, जो हित शब्द है वो बना है हियो से, हियो का मतलब होता है जो समय जा चुका, बीत चुका, तो हितवा का मतलब है जाता है, छोड़कर, यानी कि समय चला गया, और याति का मतलब है जाता है, यानी वो छोड़कर चला गया। सुमेध सो, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति। इस पूरी गाथा का मतलब है
जो अप्रमाद वाला व्यक्ति है वो प्रमाद वाले व्यक्तियों में, और जो बहुत ज़्यादा सोने वाले लोग हैं उनमें जागने वाला जो व्यक्ति है वो ऐसे आगे निकल जाता है जैसे दुर्बल घोड़ों के बीच में से कोई तेज चलने वाला घोड़ा आगे निकल जाता है, ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति उन भिक्खुओं में आगे निकल जाता है। इसकी देशना इस प्रकार है, इस प्रकार इसको समझें कि आपने सुना होगा अंधों में काना राजा। यहाँ वही बात बताई गई है कि अंधों में काना राजा कैसे होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रमादी लोग हैं, जैसे कहीं सारे लोग निकम्मे हैं, सारे लोग व्यभिचारी हैं, सारे लोग जुए में, शराब में, जो व्यसन है उसके अंदर, जो काम वासना है उसके अंदर, जो चोरी चकारी है या जिसमें लालच है, ईर्ष्या है, मक्कारी है, इसमें सारे के सारे लोग किसी मोहल्ले में या किसी घर में या किसी देश में या किसी गांव में या किसी संगठन में अगर सारे लोग ऐसे हैं और उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो वैसा नहीं है तो वो उन सब में आगे रहेगा, वो सब लोगों को उसकी इज्जत करनी पड़ेगी और सारे लोग उससे डरेंगे। ठीक ऐसे जैसे अगर सारे लोग सोने वाले हैं और अज्ञानी हैं, सुत्तेसु का मतलब है सारे लोग अज्ञानी हैं, सारे लोग सो चुके हैं और उनमें थोड़ा भी कोई जानकार है, बहुजागरूक का मतलब तो बहुत जानकार होता है, अगर कोई थोड़ा भी जानकार है तो वो जानकार व्यक्ति उन सारे अज्ञानियों में सबसे आगे होगा। ठीक ऐसे जैसे गांव के अंदर अगर सारा गांव अनपढ़ है, सारा गांव कुरीतियों में बसा हुआ है और उसमें कोई एक बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई एक औरत या कोई महिला अगर थोड़ी सी भी जानकार है तो वो उसमें आगे रहेगी। ठीक ऐसे जैसे सारे घोड़े दुर्बल हैं, सारे घोड़े थके हुए हैं, कमज़ोर हैं, मगर उसमें अगर एक घोड़ा भी थोड़ा तेज़ दौड़ने वाला है तो वो आगे निकल जाता है। ठीक इसी बात को उन्होंने कहा है कि अगर भिक्खु सारे के सारे निर्बल हैं, दुर्बल हैं, उनमें अगर कोई एक भिक्खु भी ऐसा है जो नियम से चलता है और मेहनत करता है तो वो उन सारे भिक्खुओं से आगे निकल जाएगा, जैसे इन दो भिक्खुओं में वो भिक्खु जिसने नियम से पालन किया, जिसने सारा सिस्टम से काम किया, जिसने एक एक अक्षर को पालन किया, वो अर्हत हो गया, वो ज़्यादा आगे निकल गया उस भिक्खु की बजाय जो भिक्खु पूरे दिन काम करता रहता था, मर्क करता, ध्यान के हिसाब से नहीं था। धन्यवाद।